इज द ओजी ऑफ दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, और बैसबॉल से पहले था वीरू बॉल. आई डोंट नो, बट मेरा एक ही फंडा था, बॉल देखो और बॉल को मारो, क्योंकि बॉल आई है मारने के लिए. सिंपल. हम अटैकिंग क्रिकेट की बात कर रहे हैं और आप उस क्रिकेटिंग स्टाइल के पायनियर रहे हैं. ये स्टाइल कैसे डेवलप हुआ? डिड इट कम नेचुरली और वाज देयर एन एफर्ट पुट इन? टेक अस थ्रू द प्रोसेस कि हुआ क्या था. देखिए, मैं टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेलता था, और टेनिस बॉल में क्या होता था, आपको 5 ओवर का मैच होता है, उसमें 60-70 रन आप चेज करते हो, तो मोस्टली आपको वो चेज करने होते हैं, या पहले बैटिंग करते हो तो उतने बनाने होते हैं. क्योंकि मैं अपनी टीम, 4-5 प्लेयर की टीम होती है, उसमें मैं ही एक अच्छा था, तो मुझे ही ज्यादा बोले खेलनी थी, मुझे ही सबसे ज्यादा रन बनाने थे. तो वो माइंडसेट मेरा बचपन से ऐसा था कि टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाला था. देन वो मैं अंडर 19 खेला, फिर रणजी ट्रॉफी खेला, फिर इंडिया खेला. तो मुझे आज भी याद है कि मैं जब पहली बार इंडियन टीम में गया, तो उस समय अजय जडेजा कैप्टन थे, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, तो मैं उनके साथ ऐसे ही बात कर रहा था कि मैंने कहा यार आप लोगों से 50 ओवरों में 250 रन ही चेज होते, मैं तो 5 ओवरों में 70 रन चेज कर देता हूँ. तो देव उनका रिएक्शन ये था कि अब तू आ गया था, तू चेंज कर दी. तो जब मैं इंटरनेशनल मैच खेला और पहला मैच मेरा शोएब अख्तर के अगेंस्ट था, तो मुझे पता चले कि टेनिस बॉल और इंटरनेशनल में ना बहुत फर्क है. वहाँ 150 की स्पीड पे गेंद आती है, और यहाँ पर आप टेनिस बॉल पे 100 की 120 की स्पीड पे खेलते हो. तो आई थिंक नेचर मेरा अग्रेसिव था, बट मुझे सक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ी देर में मिली उस अग्रेसिव नेचर के कारण. बट कोशिश यही थी कि मैं एंटरटेनमेंट दूं अपने बैट से. और जैसे मैंने कहा कि मेरी लाइफ में क्रिकेट एक सिंपल है, बैटिंग में कौन सी बॉल मार सकते हो, कौन सी छोड़ सकते हो और कौन सी रोक सकते हो. बजातर मैंने मारी है, छोड़ी कम है. आज काफी अटैकिंग क्रिकेट खेला जा रहा है. जब आप आज के क्रिकेटर्स को देखते हैं, आज के गेम को देखते हैं, हाउ डस दैट मेक यू फील? मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं आज जब टेस्ट मैच देखता हूँ, बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए टेस्ट मैचेस देखने बंद कर दिए थे, क्योंकि कोई एंटरटेन नहीं करता था, सब अपने अपने टुक टुक करके रन बना रहे थे. लेकिन आज यशस्वी जायसवाल को देखने मजा आता है, या ऋषभ पंत जब बैटिंग करते थे उनको देखने मजा आता था, क्योंकि वो क्रिकेट में एक एंटरटेनमेंट का पार्ट लेके आते हैं. जब आप बाउंड चौके छक्के मारते हो, तो आप एंटरटेनमेंट देते हो पब्लिक को भी, और जो देख रहा है उसको भी. तो आई थिंक आज वापस वो देखने को मजा आ रहा है, जब यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से खेल रहे हैं. उम्मीद करता हूँ कि ऋषभ पंत जल्दी आए, तो एक ऊपर और एक नीचे, दो ऐसे प्लेयर होंगे इंडिया के पास जो अपने दम पर टेस्ट मैच जिता सके. वनडे और T20 कोई भी जिता सकता है, लेकिन टेस्ट मैच जिताना एक बहुत टफ काम है. तो ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं जो शायद टेस्ट मैच जिता सकते हैं अपने दम पर. यशस्वी जायसवाल को हम लेफ्ट हैंडेड वीरेंद्र सहवाग बुला सकते हैं. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. बट थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि अगर जल्दी उसको सहवाग बुला दिया तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो इसलिए उसको एटलीस्ट अभी और 5-6 साल, थोड़ा 5-6 साल वो खेले, तो देन वी कैन कॉल हिम. जैसे हमने एक टाइम पे पुजार आए थे, तो उनको एकदम द वॉल का नाम दे दिया था, कि वो द्रविड़ की तरह खेलते हैं, उतना करते हैं. बट धीरे 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 वो वॉल बने बाद में. तो आई थिंक यशस्वी जायसवाल को भी अभी थोड़ा टाइम हम दे सकते हैं. उम्मीद करते हैं कि जैसा अभी खेल रहे वैसे ही अगले 5-6 साल खेले, तो बहुत एक्साइटिंग रहेंगे इंडिया के लिए.